अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुकरनाग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका मेजबान शाकिर मातू। आए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मंगल की सुबह एक ट्रक पस्ती की जद में आने से चार अफराद लुकमैजल बन गए। पुलिस ने बताया कि मंगल की सुबह रामबन के एक इलाके में बड़ी चट्टाने खिसक आए, जिस दौरान जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने वाली एक ट्रक जेर नंबर JK03J0312 चट्टान की जद में आ गया। उन्हें बताया कि ट्रक में सवार चार अफराद बरसर मौके ही लुकमैजल बन गए। पुलिस ने मजीद बताया कि हादसे के फौरन बाद पुलिस और बानिहाल वॉलंटियर की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और चार लाशों को निकालकर सबजिले अस्पताल बानिहाल मुंतकिल किया गया। हादसे में मरने वालों की शिनाख्त ड्राइवर मोहम्मद अफजल, उनका भाई मोहम्मद लतीफ, सकीन रेडवानी कुलगाम, इरफान अहमद, उनका भाई शौकत अहमद सकीन सिरगफारा अनंतनाग की बतौर हुई है। राजौरी जिले में जारी एक मुसलाह झड़प में जख्मी फौजी अहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस तर्जमान ने बताया कि फौजी जवान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा, जबकि एक पुलिस SPO समेत तीन दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि नारला गांव में सिक्योरिटी फोर्स और मिल्टन के माबीन फायरिंग के तबादले में एक जंगजू जहां बाक हुआ है, जबकि तीन फोर्सेस एहलकार जख्मी हुए हैं। डोडा कास्तीगढ़ में रीछ की दहशत से तीन हफ्तों में सात अफराद जख्मी, एक हलाक। बगवाल जोन में दो रोज तक तैलीम इदारे बंद रहेंगे। चीफ वाइल्ड लाइफ ने रीछ को गोली मारने का हुक्मनामा जारी किया है। जम्मू कश्मीर के आवाम इस वक्त सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। आज के दौर में यहाँ की आवाम पर इजाफाई बोझ डाला जा रहा है, ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हुकूक पामाल किए जा रहे हैं और मैशियत को जख्म पहुँचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाता। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक इजलास से खिताब के दौरान किया। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में मंगल को एक तेज रफ्तार सोमो की जद में आकर दो सिक्योरिटी सवारों की मौत वाका हुई। पुलिस ने बताया कि यह हादसा सिंहपुरा इलाके में पेश आया। उन्होंने बताया कि सिंहपुरा में एक सोमो ने सिक्योरिटी को जोरदार टक्कर मारी, जिस दौरान सिक्योरिटी पर सवार दो अफराद शरीर तौर पर जख्मी हुए। दोनों जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मुतफिक की शिनाख्त फैजान मुश्ताक गनई और सजाद मल्ला के तौर पर हुई है, जो कि मागम के रिहायशी थे। पाकिस्तानी कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम तीसरी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए हैं। ICC की जानिब से स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को अगस्त में शानदार कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। वादी कश्मीर में माह सितंबर में गर्मी का जोर जारी रहते हुए मंगल के रोज 130 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया, जबकि दर्जा हरारत 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन मौसमियात फैजान गनई ने बताया कि वादी कश्मीर में माह सितंबर में गर्मी का 130 साल पुराना रिकॉर्ड मंगल के रोज टूट गया। उन्हें बताया कि 12 सितंबर को श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 6 डिग्री ज्यादा है। उन्हें मजीद बताया कि 1 सितंबर 1970 में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.8 डिग्री और 18 सितंबर 1934 में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था।